इस इवेंट के लिए जो हमारे स्पॉन्सर है मेन सत्यम सीमेंट भैया, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वो आगे गाड़ी करनी है, उसके पीछे चलने के लिए मैं हाथ दूंगा ऐसा कोई करेगा। और टीम में भी बच्चों को जो है साइकिल के साथ जोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार और आराम से चलेंगे सारे। गांधी जयंती पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कठुआ साइकिलिंग क्लब का, नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक बाइसिकल फॉर चेंज। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आज जो नंबर देखा मैंने, कठुआ छोटा सा सिटी है बट बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छे पार्टिसिपेशन है और इनके ऑर्गेनाइजर ने बच्चों को जिस तरह से मोटिवेट किया बहुत अच्छा लगा। और मैं भी आज यही कहूँगा कठुआ के लोगों को और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चीज़ को सुन रहे हैं कि साइकिलिंग करें, अपनी फिटनेस के लिए कुछ भी करें, एक ऐसी एक्टिविटीज़ कर लें क्योंकि जितनी ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम्स आ रही है फिजिकली वो इसी से ठीक होंगी। अर्ली मॉर्निंग उठ के सैर करें, साइकिलिंग करें, योगा करें, कुछ ना कुछ करें, अपनी लाइफ को इसका पार्ट बना लें। थैंक यू। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पठानकोट से आए हैं और 77 का ग्रुप है हमारा, पठानकोट रॉकिंग राइडर्स का। और हम लोग लास्ट 7 ईयर से डिफरेंट कॉज के लिए राइड्स करते हैं, अपनी फिटनेस के लिए राइड करते हैं और कहीं पे भी इस एरिया में कोई भी इवेंट होता है हम लोग उस पर जाते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। सर सब तो पहले थोड़ा बड़ा थैंक्स, फिर उठिए तो आयो एंड आज बड़ा अच्छा लग गया। स्कूल के बच्चे इन्ने ज़्यादा स्ट्रेंथ ही चाहे सानू सपोर्ट करें, एक्चुअली उन्हें पता है सानू सपोर्ट नहीं करा दे, धरती माँ की सपोर्ट है। जे अस इस वेले कट्ठे नहीं होए, ये फ्यूचर साढ़े देश का है या साढ़े धरती का फ्यूचर है, ये कट्ठा नहीं होया, इन मैसेज नहीं गया तो यह फॉलो नहीं होया तो साढ़े आने वाली जनरेशन की बड़ी मुश्किल सहनिया पौनियाँ। सिंगल यूज प्लास्टिक एक बड़ी वड्डी आपदा है, ग्लोबल वार्मिंग को भी वड्डी आपदा है। इसी सानू हर तरह कने स्नब करना है, इसी खत्म करना है, इदे आस्ते निरंतर प्रयत्न करने पौने। ग्लोबल UN लेवल पर भी तुस दिखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल न, उदे च भी इसी खत्म करने आस्ते बड़े सारे इनिशिएटिव लेते गए। तो सानू कठुआ लेवल पर एक वन स्टेप एट ए टाइम करने, कठुआ लेवल पर अस लैने, इदे बाद इसी मुहिम की अस ट्राई करगे या सानू प्रोत्साहन मिलग और अस उपर अलग लेवल पर ले जागे। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का जरा मेहनत है इसी खत्म करके, अस कठुए तो भी खत्म करके इस धरती तो भी खत्म करने का प्रयास कर। जी हाँ, बड़ी सारी तादाद बच्चे भी निकले न, शहरवासी आए ना सामने, क्या लगता कि वातावरण से कितना फायदा रोना अगर इं लोग रोज साइकिल यूज कर। देखो लोगों का आना एक है, जब तक इसी अहें इंप्लीमेंट नहीं किया, ग्राउंड चो बोतल जीडिया थले सू लभना बंद नहीं हुई तब तक वो इंपैक्ट जरा वो नहीं आना। जिनी देर तक असें प्लास्टिक द बोतल या प्लास्टिक के बैग थैलियाँ वैजीटेबल्स वास्ते फ्रूट्स वास्ते या पानी वास्ते कोल्ड ड्रिंक वास्ते सिंगल यूज़ की यूज़ करते रहे, गवर्नमेंट बड़ा ट्राई करा दी है, उन्हें टाइम टू टाइम पॉलिसीज लिया, इन्ने MM के प्लास्टिक की अहें बैन कर उड़ा, 50 MM दे या 75 MM तो थले का बैन कर उड़ा। सानू कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन पर आना पौना, सस्टेनेबल मतलब जे अहें पानी वाली बोतल की रीयूज करी उड़ा या पानी वाली बोतल का मटीरियल वो लिया जो बायोडिग्रेडेबल है, धरती च समाई जाता है, तो सारा जो प्रयत्न है वो सक्सेसफुल है।
ते अस उम्मीद करने हैं भाई आने वाले दिनों च यह सरकार भी योग करा दी है ते सिविल जी सोसाइटी है उन्हें सपोर्ट करग ते इस मेहनत की खत्म करने का ट्राई करे।